स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किस देश के प्रयास का समर्थन किया? ए फिलिस्तीन, बी वेटिकन सिटी, सी भूटान, डी उत्तर कोरिया। आंसर ए फिलिस्तीन। एक्सप्लेनेशन। 193 सदस्यीय महासभा की बैठक में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत ने फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात की ओर से पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 143 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 25 अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए पोलैंड, बी यूक्रेन, सी रूस, डी हंगरी। आंसर बी यूक्रेन। एक्सप्लेनेशन। यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। देश में सैन्य कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता के बीच यूक्रेन की संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक के तहत सेना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी और विशिष्ट कैदी श्रेणियों तक सीमित होगी। अगला प्रश्न। मई 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? ए मेटा, बी सैमसंग, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। आंसर सी गूगल। एक्सप्लेनेशन। 8 मई को गूगल ने भारत में एंड्रॉइड उपकरणों के लिए एक स्टैंडअलोन ऐप गूगल वॉलेट की घोषणा की। इस एप्लीकेशन के तहत उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉयल्टी कार्ड, ट्रांजिट पास, आईडी और बहुत कुछ सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की अनुमति है। शुरुआत में ऐप शुरू करने के लिए गूगल ने वॉलेट के रोल आउट के लिए PVR और आइनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो और अभीबस सहित 20 से अधिक ब्रांडों के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी मॉरिशस। आंसर डी मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को चावल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न। स्कूलों से स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना 2024 में किस दिन का विषय है? ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बी राष्ट्रीय छात्र दिवस, सी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, डी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आंसर ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक्सप्लेनेशन। हर साल भारत अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक के रूप में मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करना और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भारत की सफलता का प्रतीक है। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय है स्कूलों से स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना।